हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953। तो हम इसमें क्या क्या करेंगे पहले मैं आपको बता देती हूँ। हम इसमें जितने चैप्टर्स हैं उन सारे की ट्रिक्स करेंगे कि आपको चैप्टर्स कैसे याद रखने हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर्स हैं। देन नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे कि इसका जो एम है क्या है, ये कंसोलिडेशन का मतलब क्या है और कंसोलिडेशन आगे मतलब इसका जो एम है इसका पर्पस क्या है, ठीक है। देन इसके बाद हम इसका चैप्टर नंबर 1 इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसमें प्रीलिमिनरी है, शॉर्ट टाइटल एंड डेफिनेशंस। सारे डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ही डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है और हम उसको करेंगे। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953 का मतलब। अब देखो सबसे पहले देखते हैं कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है। देखो, टू कंसोलिडेट इज टू जॉइन टुगेदर। देखो जैसे पजल होता है, ठीक है, अलग अलग पीसेस होते हैं या फिर कोई लैंड होता है, अलग अलग लैंड होता है, उसको जोड़ा जाता है। जोड़ा क्यों जाता है? जोड़ा इसलिए जाता है क्या, ताकि जो उपज है जो खेत में हो रहा है, यानी कि जो प्लांट्स जैसे गेहूं उग रहा है, चावल उग रहा है, एक बड़ा लैंड दे दिया जाए एक फार्मर को, ठीक है, एक एग्रीकल्चरिस्ट को, ताकि वो क्या कर सके, एक पूरे लैंड को कल्टीवेट कर सके अपने अकॉर्डिंगली, रादर देन छोटे छोटे लैंड्स लोगों के अलग अलग जगह पे हों जिसकी वजह से दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। टू कंसोलिडेट इज टू जॉइन टुगेदर इन टू वन होल, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया, लिटरल डेफिनेशन है ये कंसोलिडेशन का। देन इसके बाद इसका एम पढ़ते हैं। इट एम्स एट द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। क्या है? अब देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड है लैंड, पर आप उनको क्या कर रहे हो, एक साथ ला रहे हो, तो वो क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन। और कौन सी लैंड का? एग्रीकल्चरल लैंड का, ठीक है। ओनरशिप इन फेवर ऑफ कल्टीवेटिंग क्लास, ठीक है। कौन सी क्लास से रिलेटेड है? कल्टीवेटिंग क्लास से रिलेटेड है। उसके साथ साथ और भी चीजें, आप ये नहीं कि सिर्फ लैंड दे रहे हो, इधर उधर कर रहे हो, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ एक और चीज कर रहे हो, क्या? रेगुलेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ रेंट। रेगुलेशन मतलब अब जो भी उस चीज से रिलेटेड है उसको आप रेगुलेट कर रहे हो, प्लस उसके साथ क्या कर रहे हो, रैशनलाइज कर रहे हो, ठीक है। यानी कि क्या है कि एक जैसे एक फार्मर है ए और दूसरा फार्मर है बी, इसने इसको लैंड दिया, पर इसका लैंड जो था वो अच्छी क्वालिटी का था, ठीक है। इसने इसको लैंड दिया तो इससे इसको अगर लैंड मिल रहा है तो बहुत बड़ा लैंड मिल रहा है, अगर वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है या फिर उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें, एक तरह से क्या है, इनको इक्वल फुटिंग पे रखने के लिए सारे काम किए जाएंगे, ताकि ए इज इक्वल्स टू बी। ए का जो लैंड अगर इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है, इक्वल फुटिंग पे हुए और भी, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन ऑफ रेंट कर दिया है उससे। देन इसके बाद क्या है, इम्प्रूविंग साइज ऑफ फार्म्स। ऑब्वियसली इन सब चीजों से क्या है, फार्म्स की साइज जो है इम्प्रूव हो रही है। एंड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू टेन्योर होल्डर्स, ठीक है। टेन्योर होल्डर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है, किस लिए? टू रेज ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ये जो ऊपर हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है उसका पर्पज क्या है? पर्पज यही है कि रेज हो जाए क्या, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है उसका, जो वो रेज हो जाए, बस और कुछ नहीं। यानी कि अगर गेहूं हो रहे हैं तो गेहूं थोड़े ज्यादा हो, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी पे। अब इस एक्ट को क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953। अब देखो हम प्रीलिमिनरी कर तो रहे हैं, पर इसका जो मेंस का आंसर है वो सीरीज भी हम करेंगे, पर अभी हम इसकी ट्रिक्स वगैरह कर लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में एक बना रहे कि हाँ ये एक चैप्टर है। इस चैप्टर, इस सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, इसके आंसर्स करेंगे ताकि हमें ये एक तरह से याद हो जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इट इज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स इन उत्तर प्रदेश फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। ये इसका एम है, ऊपर ही लिखा हुआ है। वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स इन उत्तर प्रदेश फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, इसलिए इसे इनएक्ट किया गया है। अब चैप्टर 1 में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट है। सिंपल है, इस एक्ट को क्या बोला, एक तो ये देखो 1953 में आया है, इसको याद रखना जरूरी है। अब इसको कैसे याद रखोगे कि कंसोलिडेशन है, जमीन इधर से उधर हो रही है, पजल की तरह इधर से उधर हो रही है, उसको याद कैसे रखा जाएगा? तो उसको याद करने का एक ये तरीका है, देखो ये ऑड नंबर्स है, 1953 ऑड नंबर्स है। कंसोलिडेशन में देखो जो भी लैंड थोड़ा ऑड सा दिख रहा है उसको क्या है, एक साथ कर दो, उसको इवन बना दो, ठीक है। तो 5+3 कितना हो गया 8 और 9+1 कितना हो गया 10, तो टोटल कितना हो गया ये नंबर 18 हो गया। तो ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, तो ऑड नंबर्स को इवन कर दो, ठीक है। ऑड लैंड दिख रहा है, अब ऐसे कर लेना, कोई और ट्रिक हो तो मुझे कमेंट से बता देना। नेक्स्ट है, इट एक्सटेंड्स टू द होल्ड ऑफ उत्तर प्रदेश, और उसके बाद जब कैसे लागू होगा, नोटिफिकेशन से ऑफिशियल गैजेट में बता दिया जाएगा। देन इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 में बात हो रही है डेफिनेशन से रिलेटेड। इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, सारे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशन 1 ही पे चलते हैं हम। चक, चक की बात कर रहे हैं।
अब देखो, चक एक ऐसा वर्ड है जो आपको उत्तर प्रदेश लैंड से रिलेटेड जितने भी लॉज है उसमें आता रहेगा। चक का मतलब होता है पार्सल ऑफ लैंड अलॉटेड टू टेनर होल्डर ऑन कंसोलिडेशन। ठीक है, क्या है, एक लैंड है उसको क्या है आप चक लैंड बोलते हो। ठीक है, उसको आप दे देते हो टेनर होल्डर को, क्योंकि आप जो जमीन इधर से उधर कर रहे हो वो आप उसको ओनरशिप नहीं दे रहे हो, सिर्फ टेनर होल्डर बना रहे हो। ठीक है, एक तरह से उनको दे रहे हो एज अ टेनेंट, ठीक है, ताकि वो कल्टिवेट कर सके। नेक्स्ट इसके बाद है कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, रीअरेंजमेंट ही होता है। किस में रीअरेंजमेंट होता है, इनटू अ यूनिट अमंग सेवरल टेनर होल्डर्स इन सच अ वे एज टू मेक देयर रिस्पेक्टिव होल्डिंग मोर कॉम्पैक्ट। ठीक है, ताकि उनकी जो होल्डिंग्स है एक साथ आ जाए, सारे लैंड एक साथ आ जाए। अब देखो, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज होल्डिंग शैल नॉट इंक्लूड। अब देखो इसमें कौन कौन से लैंड इंक्लूडेड नहीं है वो ज्यादा जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आपको ये डेफिनेशन याद है कि नहीं, क्योंकि ये ऑब्वियसली आपको याद रहेगी, बट इसके एक्सेप्शन जो है आपको याद रहने सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो एक्सेप्शन वन है, लैंड विच वॉज ग्रोव इन एग्रीकल्चरल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर इन विच द नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 4 वॉज इशूड। सेक्शन 4 बाद में पढ़ेंगे, पर हम ये देखते हैं कि लैंड जो ग्रोव था, ठीक है, देन इसके बाद है जिसमें क्या है, इरोजन हो रहा है। अब देखो इसमें वो लैंड नहीं किया जाएगा इसमें इंक्लूड जो कि खराब है, इतना याद रखना। ठीक है, इरोजन हुआ है, ठीक है, या फिर लैंड क्या है 132 में यूपी जमींदारी एबोल्यूशन एक्ट में मैंशन है, देख लेना उसको। देन इसके बाद है कॉम्पैक्ट एरिया, ठीक है, जो जिसमें वाटर लॉगिंग हो सकती है वो भी खराब है। देन इसके बाद ऊसर कल्लर रिहाला प्लॉट्स, ये भी खराब लैंड्स होते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हो, कल्टीवेट नहीं कर सकते हो अच्छे से। तो हमने खराब लैंड के बारे में बात कर ली। अब दूसरा है कि लैंड जिसको फ्लावर उगाने के लिए यूज किया गया है, ठीक है, पान रोज बेला जास्मिन केवल, ठीक है, केवड़ा, ठीक है, ये सब क्या है, फ्लावर्स हैं और ये ग्रोइंग पान, पान एक अलग है पत्ता, ठीक है। देन इसके बाद है सच अदर एरिया दैट, जैसा भी अगर डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन बोले कि ये एरिया नहीं आएगा तो नहीं आएगा, समझ गए आप, है ना। कौन से सेक्शन में आता है ये, सेक्शन नंबर 2 में, ठीक है, सेक्शन नंबर 2 इंपॉर्टेंट होता है हर एक उसका, तो उसमें भी आपको कंसोलिडेशन का मतलब समझ में आ गया। अब कंसोलिडेशन एरिया देख लेना। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम सेक्शन नंबर 3 में, कंसोलिडेशन ऑफिसर, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर देखो वो ऑफिसर तो वही होगा जो इस पर्पज के लिए अपॉइंट होगा, और कुछ नहीं है। और देर और ऑल्सो इंक्लूड रिक्टेंगुलेशन ऑफिसर, ठीक है, क्योंकि देखो कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि एक रिक्टेंगल एरिया बना दो, सबसे आइडियल जो एरिया होता है वो रिक्टेंगल ही होता है, ठीक है, एक कल्टिवेशन के लिए, तो इसलिए कंसोलिडेशन ऑफिसर रिक्टेंगुलर ऑफिसर के लिए भी इंक्लूड करता है। देन इसके बाद आ जाते हैं हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तो नहीं है ये, क्योंकि सीपीसी में हमने लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन पढ़ी है, हमने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में पढ़ा है, कौन से सेक्शन में पढ़ा है एक बार मुझे बताना, ठीक है, हमने 59-60 इसी के आसपास पढ़ा है। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 11 बात करता है टेन्योर होल्डर्स से रिलेटेड, ठीक है, टेन्योर होल्डर क्या होते हैं, मीन्स अ भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स और भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स एंड इंक्लूड्स एन आसामी, अ गवर्नमेंट लीज और गवर्नमेंट ग्रांटी और अ कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी सेटिस्फाइंग सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, ये सब चीजें इंक्लूड करते हैं। एंड क्या है, यूनिट मीन्स अ विलेज और पार्ट देयर ऑफ एंड वेयर द डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन सो नोटिफाइज बाय पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट टू और मोर विलेजेस और पार्ट देयर ऑफ फॉर विच अ सिंगल स्कीम ऑफ कंसोलिडेशन इज टू बी फ्रेम। देखो यूनिट का मतलब बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, टेन्योर होल्डर का मतलब आप याद रखना, ए से आसामी हो गया, लीज हो गया, या फिर ग्रांटी हो गया, या फिर कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी सेटिस्फाइंग कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, बस, ठीक है, टेन्योर होल्डर का मतलब ये हो गया। अब इसी के साथ हम इस चीज को कंप्लीट करते हैं, बट एक चीज मैंने आपको और बोली थी कि मैं करवाऊंगी, वो ये है कि सारे चैप्टर्स को याद कैसे रखना है। तो देखो ज्यादा चैप्टर्स नहीं है इसमें, 5 ही चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब आप इमेजिन करो आपको एक लैंड क्या करना है, जोड़ना है, तोड़ना है, फिर जोड़ना है, ठीक है। तो तोड़ने से पहले किसी चीज को आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे, ठीक है, फिर करेक्शन बनाओगे, तभी तो तोड़ोगे, और फिर इसके बाद क्या करोगे, जोड़ोगे। पर जोड़ने से पहले, क्योंकि ये ऑफिशियल चीज है, तो आप प्रिपेयर करोगे एक स्कीम, ठीक है, आपने एक स्कीम प्रिपेयर की, चैप्टर नंबर 3 में आता है, और फिर इसके बाद क्या करोगे, उसे जोड़ दोगे, फाइनली उसे जोड़ दोगे, इन्फोर्समेंट ऑफ द स्कीम, क्योंकि आपने जोड़ने की एक स्कीम निकाली तो उसे जोड़ दोगे, क्योंकि ये ऑफिशियल वर्क से रिलेटेड है। फिर इसके बाद लास्ट चैप्टर मिसेलिनियस होता है, ये बहुत सिंपल सा है इसका ट्रिक याद रखने वाला, इसलिए मैंने इसका डायग्राम नहीं बनाया है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, चैप्टर 1 में क्या है, प्रीलिमिनरी है, चैप्टर 2 में क्या है, अब इसको क्या है, तोड़ना है, तो तोड़ने से के लिए क्या करोगे, रिवाइज करोगे, ठीक है, करेक्शन करोगे, रिवाइज करोगे, फिर उसके बाद स्कीम बनाओगे, स्कीम बनाने के बाद स्कीम को अप्लाई करोगे, इन्फोर्स करोगे, और फिर उसके बाद मिसेलेनियस चैप्टर नंबर 5। तो इसी के साथ हमारा ये इंट्रोडक्शन पार्ट
प्लस प्रीलिमिनरी यानी कि चैप्टर वन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट। आगे भी ऐसे वीडियोज आते रहेंगे, तो उसके लिए प्लीज सपोर्ट दिस चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू।